हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस बहुत ही खूबसूरत से प्लांट फ्लावर्स के बारे में बात करूंगी। इसको फ्यूसिया कहते हैं और ये देखने बहुत ही सुंदर दिखता है और बिल्कुल डॉल की तरह, जैसे डांसिंग डॉल होती है ना, उस तरह से इसे बहुत सारी परियां एक साथ उतर आई हों जब ज़्यादा खिलते हैं और डांस कर रही हैं, बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो आज इसकी पूरी केयर बताऊँगी, पूरी जानकारी दूंगी, तो बने रहे मेरे वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फ्यूसिया का प्लांट है और इसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर्स आते हैं, एकदम डॉल की तरह दिखते हैं, जैसे डांसिंग डॉल होती है ना, जैसे डांस कर रही हूँ डॉल, उस तरह से दिखते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे बिल्कुल लुक वैसे ही आता है डांसिंग डॉल की तरह, बिल्कुल परियों जैसा, बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। तो इसकी कलर की बात करें तो इसमें बहुत कलर्स आते हैं, पिंक, वाइट, पर्पल, ब्राउन और भी बहुत शेड्स में भी आते हैं। तो मेरे पास चार हैं अब फिलहाल तो भी मेरे पास प्लांट्स, और इसमें मेरे अभी एक एक प्लांट में फ्लावरिंग आई है, तीन अभी कौन से कलर निकलेंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इसी साल लाई थी, मैं दिसंबर में लाई थी ये वाले प्लांट, और मैंने लास्ट ईयर भी लिए थे, तो मैंने वो लिए थे फरवरी में, मुझे मिले थे जनवरी या फरवरी में लाई थी, तो हेल्दी प्लांट थे बट वो मेरे ख़राब हो गए थे, क्योंकि इसको इसको टेम्परेचर की बात करें तो इसको गर्मी में बचाना थोड़ा मुश्किल होता, हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और जब ये 40 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो बिल्कुल ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो उसके लिए तो ये है कि हम जैसे ये ठंडी जगह पर होते हैं, जैसे पहाड़ों पे, मैं जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत थे जब मैं गई थी वहाँ पे, तो जैसे दार्जिलिंग, शिलोंग या सिक्किम में भी थे, तो उधर तो टेम्परेचर इस समय अच्छा होता ना गर्मियों में, जैसे इसके टेम्परेचर की बात करें तो ये 10 डिग्री से 30 डिग्री तक बहुत अच्छा चलता है, इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है जब भी टेम्परेचर होगा। तो उधर तो गर्मियों में टेम्परेचर ये होता है पहाड़ों पर जहाँ ठंड होती है, तो ठंडी जगहों पर रहता है, वैसे हमारे यहाँ सर्दियों में, वैसे तो पेरिनियल प्लांट है ये, साल भर पूरा परमानेंट रहता है, बट हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो गर्मी में सेव करना मुश्किल होता है, इसलिए सर्दियों में अच्छा चलता है। इस मार्च में इस समय धूप अच्छी है ना, तो अच्छा टेम्परेचर भी है, ये 25 डिग्री 30 डिग्री के आसपास है, तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसमें, तो इसको यही टेम्परेचर पसंद है। तो ये पहाड़ों का बेसिकली प्लांट है, बट मैं ले आती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं तो लगा देती हूँ। तो लास्ट ईयर मेरा नहीं बचा था, ये गर्मी जब जून की पड़ती है ना तो उस टाइम बचाना मुश्किल हो जाता है, उस टाइम मैंने लास्ट ईयर फरवरी में लगाए थे, तो इसलिए क्योंकि तुरंत ही फिर वो गर्मी पड़ने लगी थी। इस बार मैं दिसंबर में लाई थी इसके प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे लाई थे प्लांट, मतलब होंगे 6-7 इंच तक के, बस 1 फिट के आसपास होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं था बड़ा। तो इस समय देखिए बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट हो गया है देखिए मेरा, और काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मुझे लगा शायद मैं छोटे लगाऊं तो जब तक गर्मी पड़ेगी तो तब तक ये मैच्योर हो जाएगा, इसीलिए मैंने छोटे प्लांट लगाए थे। तो काफ़ी अच्छा है इस समय हेल्दी प्लांट हो गया है मेरा, तो आई होप इस साल बच जाए, अगर नहीं बचेगा तो फिर नहीं लाऊंगी, तो मैं इस साल अभी कोशिश करूँगी बचाने की। तो गर्मी से मैं बहुत छोटा लाई, इतना था बस 6-7 इंच का होगा जब मैं लाई थी, एक एक स्टेम्स थी, तो कलर मेरे को किसी का पता नहीं था कि इसमें क्या कलर है, बस ऐसे ले आई थी लीफ को साइज़ देख के और कलर देख के अलग अलग, बट अब इसमें एक में तो खिल रहे हैं, खूब अच्छे फ्लावर्स खिल रहे हैं, तो इस जब बाकी में खिलेंगे तो पता चलेगा कौन सा कलर है। तो इसके लिए अब धूप की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे होंगे टेम्परेचर ही जब ज़्यादा नहीं चाहिए तो धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब सुबह की, जैसे मैंने जिस जगह रखा है सुबह की धूप आती है, 2-3 घंटे की धूप आ जाती है, ऐसे धूप में बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, तो इतनी बस धूप काफ़ी है, तेज़ धूप से बचाएं, तो जब तक आपके यहाँ टेम्परेचर अच्छा रहेगा तो ये अच्छा चलता रहेगा। और जब बहुत गर्मी हो तो कोशिश करें कि ऐसे एरिया में रख दें जहाँ बस ब्राइट लाइट आती हो, जैसे शेडी एरिया में, जैसे कि गर्मी से बचे, और बहुत सारे प्लांट्स के एक साथ रख दें बीच में, जिससे कि इसको गर्मी में मॉइस्चर बना रहे और गर्मी से बचाव भी रहे, ठंडक रहे आसपास, तो आई होप बच जाएगा, मैं भी ऐसे ही करूँगी अगर आप ले आए हैं तो। और अगर नहीं लाए हैं तो अभी ना लाएं मैं तो कहूँगी, अगर लेना है तो आप गर्मी उसमें दिसंबर में ट्राई करें लाने की, अभी ना लें क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है और बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप देख लीजिए, क्योंकि गर्मी में इसको बचना मुश्किल हो जाता है।
वैसे है पेरिनियल प्लांट, साल भर रहता है, बट वही है गर्मी जब होती है तो फिर सूखने लगता है, क्योंकि ये ठंड का पौधा है बेसिकली। और इसके सॉइल मिक्स की बात करें तो मैंने जो सॉइल मिक्स बनाई थी, जैसे नॉर्मल सभी प्लांट्स के लिए सॉइल मिक्स बनाती हूँ मैं, वैसे ही बनाती हूँ, इसकी भी बनाई थी मैंने। बस इसमें थोड़ा कोकोपीट ज़्यादा मिला दीजिएगा। तो जैसे मैंने 30 या 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए, और थोड़ा सा सेंड मिला लीजिए 20 to 25, जिससे ड्रेन आउट हो जाए 30% के आसपास, और उसी में कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट मिला के, थोड़ा नीम खली और बोन मील कैल्शियम के लिए, या फिर आप जो भी कैल्शियम के लिए डालते हो जैसे स्टोन डस्ट या अदर चीज़, तो वो डाल लीजिए, क्योंकि इसको कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। तो मतलब मॉइस्चर बना रहे, ऐसी मिट्टी बनाए इसकी कि मॉइस्चर बना रहे बट पानी भी रुके ना, लेकिन नमी रहे हल्का सा, इस तरह से मिट्टी बनाइए। तो उसके लिए 50% गार्डन सॉइल ज़रूर लीजिएगा, और नॉर्मल जैसे सॉइल बनाते हैं आप वैसे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, बट कोकोपीट ज़रूर मिला लें, जिससे कि गर्मी से थोड़ा मॉइस्चर बना रहेगा और गर्मी से बचाव भी रहेगा। इस तरह से सॉइल मिक्स बनाएं। और वाटरिंग की बात करें तो जैसे अभी तो गर्मी बहुत है, तो अब और भी ज़्यादा पड़ेगी, तो एक दिन छोड़ के या डेली देख के दीजिएगा, डेली ज़रूरत पड़ती है तो डेली दे दीजिएगा, तो क्योंकि अब तो गर्मी है तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज एक दिन छोड़ के दे दीजिए, तो हल्का मॉइस्चर बना रहे, पानी जैसे ज़्यादा ना हो, तो वाटर फिर आप देख के दीजिएगा। और प्रोपोगेशन की बात करें तो इसमें प्रोपोगेशन, इसकी कटिंग लग जाती बहुत ईजिली लग जाती है, मैंने लास्ट ईयर भी लगाई थी, तो कटिंग से ग्रो हो जाता है, और इसमें सीड्स भी बनते हैं, जब ये फ्लावर खिल जाते हैं ना, तो इसमें ये पॉट ऊपर जो होता है ना सीड पॉट, उसमें सीड्स बनते हैं, तो आराम से वो, अगर देखती हूँ इस बार बने, अभी तो मैं हटा देती हूँ क्योंकि फ्लावरिंग होती है, तो जैसे ये सीड देखिए, ये है ये पॉट, इसमें सीड्स होते हैं, ये अगर आपको रखने हैं तो आप उसमें लगा रहने दीजिए, अदरवाइज अगर ये फूल मुरझा जाता है तो फिर उसको हटा दें तो फिर ठीक रहता है। और कटिंग लगाने से इतनी स्टेम्स लग जाती है, बहुत ईजिली लग जाती है, जैसे बस नॉर्मल जैसे बाकी आप कटिंग्स लगाते हैं अपनी, जो भी मीडिया बनाते हैं गार्डन सॉइल, वैसे जैसे आप दूसरे अदर पॉट के लिए बनाते हैं सॉइल मिक्स, उसी में लग जाती है ईजिली, बस लगा के थोड़ा सेड एरिया में रखें, लग जाती है, और सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो ईजिली कटिंग लग जाती है। और बहुत ही हेल्दी प्लांट हुए हैं मेरे, काफ़ी अच्छे हो, आई होप बच जाएं, इस साल तो मैं एक से फिर कई लगाऊंगी, और मैं नर्सरी से लाई थी, नर्सरी मिल जाते हैं बहुत ईजिली, दिसंबर में मिलते हैं, लेकिन ये दिसंबर में लाई थी मैं, हाँ दिसंबर में मिल जाते हैं, नवंबर टू दिसंबर के बीच मिलते हैं नर्सरी में कभी कभी, क्योंकि आते ही निकल जाते हैं जो थोड़ा अलग से प्लांट्स होते हैं, तो जैसे मैं जाती हूँ मिल जाते हैं तो ले आती हूँ, तो ये टाइम होता है इसका। और वैसे इस फ्लावरिंग इसकी दिसंबर से मई जून तक आराम से करता है, अगर जैसे ठंडी जगह पर है जो पहाड़ों पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, तो दिसंबर से आप मई जून तक इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी ले सकते हैं, वहाँ तो फिर फरवरी से ही स्प्रिंग से ही शुरू होती है, क्योंकि धूप जब निकलेगी तभी फ्लावरिंग होगी, तो स्प्रिंग से जून मई जून तक इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और पॉट की बात करें तो इसको पॉट बहुत बड़ा ज़रूरत नहीं होती है, आप 10 इंच के गमले से लगा सकते हैं, 15 इंच के गमले तक लगा सकते हैं पॉट, अगर आपका प्लांट छोटा है तो छोटे पॉट में ही लगाइए स्टार्टिंग में, जब बड़ा हो जाए तब उसको रिपोर्ट करिए। मेरा ये 10 इंच का होगा, 10 से 15 इंच के बड़े गमले हैं बस, और ज़्यादा नहीं है पॉट बड़ा, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा गमलों में नहीं नीचे जाती हैं, लेकिन हाँ, और इसकी हाइट की बात करें तो गमलों में 2-3 फीट 2-2.5 फीट तक की हाइट होती है बस, इससे ज़्यादा नहीं होती, और अगर ज़मीन में हो तो 3-4 फीट तक हो जाती है आराम से, 4 फीट 4.5 तक भी हो जाती है। देखा हम लोग जब गए थे नॉर्थ ईस्ट तो काफ़ी हाइट थी, और बहुत बंच में फ्लावर्स थे, बहुत सुंदर देखने, बिल्कुल सारे नीचे को झुके ऊपर, इतना जब नीचे को फॉल करते हैं तो बहुत सुंदर देखने में लगता है, तो उसकी 4 फीट तक हाइट जाती है अगर ज़मीन में लगा हो तो, एक अच्छा सा बन जाता है, जैसे होता है ना एक छोटा सा प्लांट बुसी टाइप का, बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गमला की ज़रूरत नहीं होती है, और मैंने बहुत छोटे लगाए थे, देखिए अब अच्छे हेल्दी दिख रहे हैं, आई होप बच जाए, तो जब ये बच जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी इस बार बचाने की, और कटिंग भी लगा देती हूँ जिससे कटिंग बची रहती है, तो जब आप फ्लावर इसके मुरझा जाएँ तो फ्लावर हटा दिया करें, और जब तोड़ें तो पूरा तोड़ के जैसे उसका सीड पॉट होता है वो भी हटा दें। और पेस्ट अटैक की बात करें तो इसमें मिली बग का डर रहता है, कई बार लग जाता है, वाइट वाइट जो होते हैं वो कीड़े, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं,
बस फूलों को बचा के करें, जब भी करें लीफ में कर दें, तो जैसे 15 दिन में या 1 महीने में एक बार कर दें, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर दें, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती। वैसे मैंने इसमें और कोई बीमारी नहीं देखी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी लगाया था, उसमें कुछ नहीं हुआ था। और वैसे हेल्दी रहता, अगर आपका सॉइल मिक्स अच्छा बना है, उसमें आपने सब डाला है चीज़ें अच्छी तरह से, जैसे नीम खली वगैरह, तो अच्छा हेल्दी रहता है। और इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें, तो फर्टिलाइज़र इसमें आप जैसे 1 महीने में बर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कैल्शियम के लिए आप उसमें बोन मील डाल लीजिए थोड़ा सा, या आप जो भी कैल्शियम के लिए स्टोन डस्ट यूज करते हैं तो वो डालिए, तो 1 चम्मच वो डाल दीजिए, और थोड़ा सा नीम खली, तो 1 महीने में एक बार डाल देंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप 15 15 दिन में ज़रूरत नहीं होती है फर्टिलाइजर देने की, तो आप 2 3 महीने बाद भी देंगे तो भी नहीं जरूर ज़्यादा कम पड़ेगा, आप आराम से दे सकते हैं। मैंने जब लगाया था, सॉइल मिक्स बनाया था, उसी टाइम फर्टिलाइज किया था, मतलब उसी में जो मिलाया था बस, और नहीं मैंने कुछ भी दिया है। अब दूंगी, क्योंकि फिर गर्मी में ज़्यादा नहीं देना चाहिए, गर्मी में तो वैसे भी ज़्यादा फर्टिलाइजर देना फिर पौधों के लिए नुकसान करता है, तो वो दे सकते हैं। या आप वो भी होती है जो सरसों खली घोल के दे सकते हैं, थोड़ा सा सरसों खली घोल के पानी उसका 10 गुना बढ़ा के पानी दे सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है। तो बहुत ही वैसे ज़्यादा इस केयर की ज़रूरत नहीं है, बस इसको गर्मी में बचाइए। अगर गर्मी से बच जाता, फिर आपका वो प्लांट अगर एक बार बच गया तो फिर वो चलता रहेगा। तो अभी मैंने एक ज़मीन पर भी लगाया हुआ है, देखती हूँ कौन सा बचता। मैं 5 प्लांट लाई थी और मेरे को अच्छे मिल गए थे, छोटे पौधे भी देखिए निकल रहा है बट से अंदर कल खुल खिल जाएगा, इस तरह से दिखता, बहुत सुंदर देखने में लगता है। और इसके फ्लावर 2 3 दिन तक रहते हैं और इस तरह से खिले रहते हैं, उसके बाद फिर वो गिरने लगते हैं नीचे को, टूट जाते हैं। और जब भी फ्लावर्स इसको मुरझा जाए तो तोड़ें, तो पूरा तोड़ें, जिससे सीड पॉट बनते हैं ना इस तरह से, तो अगर वो सीड्स बन जाएंगे अभी से तो फिर फ्लावरिंग नहीं करेगा, जैसे कि दूसरे प्लांट्स के लिए भी मैं बोलती हूँ। तो जब तोड़ें कि पूरा तोड़ें, खाली फ्लावर तोड़ेंगे तो वो पॉट्स उसी में रह जाएगा सीड वाला, तो ये फ्लावरिंग, क्योंकि सारी ताकत फिर सीड बनाने में लगा देता है प्लांट, तो फिर आपकी फ्लावरिंग नहीं होगी। और जब आपको सीड्स चाहिए होंगे तो फिर 1 2 फ्लावर्स छोड़ दीजिएगा बाद में, तो फिर वो सीड्स भी बन जाएंगे। तो क्योंकि 2 3 दिन में अपने आप ही देखिए गिर जाता है, ये देखिए टूट गया अपने आप, और जब खिलता है तो पूरा कलर भी चेंज हो गया, वो पर्पल खिला था मेरा और ये देखिए पिंक हो गया, डार्क पिंक, बहुत सुंदर कलर लग रहा है, लेकिन पूरा खिला हुआ काफ़ी बड़ा फ्लावर्स आया है और देखने बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं, और मैं इसकी कटिंग भी लगाऊंगी। तो नर्सरी में आराम से मिल जाते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं जो थोड़ी बड़ी नर्सरी होती हैं, आई होप ऑनलाइन भी मिलते होंगे, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं नर्सरी से ही लाई थी। तो आप इस तरह छोटी छोटी केयर थी, तो किसी ने पूछा कि कैसे केयर करते हैं, उनके भी ख़राब हो गए थे, तो इस तरह से आप अपने फ्यूसिया को बचा सकते हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं, एकदम बिल्कुल डॉल की तरह, जैसे डॉल डांस करती हैं उस तरह से। तो फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, बहुत वैरायटी आती है चीज़ों की, बट कई बार होता है ना, हमारे इधर का टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो फिर उनको थोड़ा केयर ज़्यादा चाहिए होती है, और कई बार ज़्यादा केयर करने के बावजूद भी नहीं हम बचा पाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। तो अगर बच जाते हैं तो बहुत खुशी भी होती है, फिर वो बने भी रहते हैं। जैसे मैं सकुलेंट भी लाती हूँ काफ़ी, अब धीरे धीरे करते करते ना चीज़ें, बहुत चीज़ें बचाने लगी हूँ सकुलेंट्स में भी मैं, तो धीरे धीरे आइडिया लगता है। जैसे इस बार जैसे मैं छोटा प्लांट लाई हूँ, तो अब जैसे मेच्योर हुआ है ये गर्मी तक, तो आई होप वो मेच्योर हो गया तो वो बर्दाश्त कर लेगा गर्मी। पिछली बार मैं लाई थी फरवरी में लगाए थे, तो क्योंकि तुरंत ही गर्मी पड़ने लगी थी तो वो सेफ नहीं कर पाई थी, फिर मैं ख़राब हो गए थे, तो आई होप इस बार बच जाएंगे। तो इस तरह से आप भी इसकी केयर कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो फ्यूसिया के बारे में, आई होप आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।